अस्सलाम वालेकुम हवातीनों हजरात, मैं हूं मिर्जा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आजकल पाकिस्तान में एक मौजू बहुत ज्यादा जेर बहस है, वो है आईने पाकिस्तान में तरमीम। अब तक कितनी तरमीम हो चुकी हैं और जो ये 26वीं अमेंडमेंट आईने पाकिस्तान में की गई है, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं, बुनियादी इरतका क्या हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर शेख जिया। आप प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, 10 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं और कई नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर एज ए तजिया निगार बैठते हैं। अमेंडमेंट के हवाले से हमने 3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चन के अमेंडमेंट किसे कहते हैं, आइन, ऑर्डिनेंस और इन तमाम चीजों में लॉ में फर्क क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये तीनों पार्ट लाजमी देखिएगा। आइए और चलते हैं प्रोफेसर जिया की जानिब। अच्छा, हम जब आज का जो मौजू है, जो आपने एक और सवाल किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर कुल अमेंडमेंट्स हुई हैं वो अभी तक वो 26 है और जो लेटेस्ट जिसको हम आजकल पाकिस्तान की हर महफल की जान है, जो अमेंडमेंट वो 26 अमेंडमेंट है। ये 26 अमेंडमेंट का जो बुनियादी फलसफा है या जो बुनियादी मौजू है, वो आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारों का जो इर्तिका हुआ, उस इदारों के इर्तिका के नतीजे के अंदर एक सोच और फिक्र जो है वो पैदा होती चली गई कि पाकिस्तान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, उसके ऊपर जो है वो अपने फराइज की अदायगी के लिहाज से बहुत ज्यादा बोझ है। फिर ये इदारा जो है वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह पोलिटिसाइज हो चुका है कि जब उसके सामने आइनी सवाल उठाए जाते हैं या कोई आइनी मसाइल उनके सामने आते हैं, तो या तो वो ताखीर का शिकार हो जाते हैं या वो किसी सियासी जो है वो अलमिये का आईनादार हो जाता है। इस तरह जितने भी फैसले आए, उसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट तकसीम हुई, बल्कि उसके नतीजे के अंदर जाकर जो है हमने देखा कि रियासत के अंदर जो अवामी सतह पर है वो भी दो राय पैदा होना शुरू हो गई। इस तरह इन हालात और वाकयात के नतीजे के अंदर जाकर बिल आखिर ये फैसला किया गया कि हमें जो है वो कोई एक ऐसा रास्ता तलाश करना होगा कि जिस रास्ते पर अमल करते हुए एक ऐसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाई जा सके कि जिसके पास जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात के इस्तेमाल के अंदर वो एक तरफ अवाम के मसाइल को बाहसन हल कर सके, दूसरी तरफ जो आइनी फैसले हैं उन फैसलों को जो है वो लोगों की या सियासी जमातों की मुखासमत से बचाया जा सके। इस तरह जो इसका मौजू बनाया गया वो आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस तरह तश्कील देना है कि उसके फराइज का दायरा का दो हिस्सों में तकसीम नजर आए, एक तो अवामी मसाइल के हवाले से और दूसरा जो है वो आइनी मसाइल के हवाले से। जो तब्दीली लाई गई है वो तब्दीली यह है कि अब आइनी मसाइल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया जाएगा, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम दिया गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील के अंदर जो है वो एक पार्लियामेंट की कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो 13 अराकीन पर मुश्तमिल है, जिसमें अपोजिशन के अराकीन भी हैं, जिसके अंदर जो है वो हिज्ब इख्तदार के अराकीन भी हैं और ये के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करने वाले नुमाइंदे हैं वो भी उसका हिस्सा होंगे, प्लस जो है मुल्क का वजीर कानून और जो अटॉर्नी जनरल है वो अपनी लीगल एक्सपर्टीज के मुताबिक जो है वो इसका हिस्सा होंगे। अब ये जो एक कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी जो है वो तौयन करेगी इस बात का कि आइनी मुकदमात कौन से हैं, ये कौन से बेंच को दिए जाने हैं और आइनी बेंच जो है वो किस तरह तश्कील पाना है। तो इस तरह कहते हैं कि एक ऐसा आइनी बेंच बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही मुश्तमिल होगा, लेकिन इन जजों के जिनका बेंच बनाया जाएगा उसके अंदर एक इनपुट शामिल होगा और ये इनपुट जो है वो बहुत वसी है, क्योंकि इसमें एक तरफ अवाम के नुमाइंदों पर होंगे, दूसरा इनपुट जो है वो अदल इंसाफ के इदारे में बैठे हुए अफराद खुद होंगे। इस तरह वो एक ऐसा एक तंजीम और एक ऐसी बॉडी बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि जिससे मतलब ये गुमान किया जाएगा कि वो जो भी फैसले करेंगे वो फैसले जो है वो मुल्क और फलाह बहबूद और आइन के तकाजों के मुताबिक होंगे। इस तरह जब ये फैसले आएंगे कि ऐसी वसी बॉडी की राय के नतीजे में बनने वाले जुडिशियल कमीशन के, तो उन फैसलों के बारे में गुमान ये किया जाता है कि उस पर फिर तनकीद नहीं हो सकेगी और अगर कोई तनकीद करेगा तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। इस तरह जो बुनियादी इसका अगराज़ो मकासद है वो एक ऐसे आइनी इदारे का क़याम है कि जिनके आइन से मुतल्लक तशरी के जो फैसले हैं वो ज्यादा से ज्यादा काबिल कबूल बनाए जा सके।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने मेजबान मिर्जा उस्मान बेग और प्रोफेसर शेख ज़िया को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।